नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों और केंद्रीय कर्मचारियों का मैं आपके अपने YouTube न्यूज़ चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन रिवीजन पर बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। एक तरह से आवाज़ उठाई गई है एक मेजोरिटी ऑफ पेंशनर्स, यानी कि जो ज़्यादातर पेंशनर्स अपनी बात रखना चाहते हैं उनको कवरअप किया है। आप सभी जानते हैं कि जो ORP 2 रिवीजन लेट हुआ है उसकी वजह से सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्वीट्स और रीट्वीट्स लगते ही रहते हैं, लगातार चलते ही रहते हैं। लेकिन उनमें से मैंने जो एक ट्वीट उठाया है, क्योंकि वो काफ़ी सारे पेंशन धारकों की जिज्ञासा को शांत करने वाला है, उनके मन की बात को सामने रखने वाला है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपने पहली बार चैनल को पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इन पेंशन धारक ने क्या लिखा है। इवन सुप्रीम कोर्ट डोंट हैव गट्स टू स्टैंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ क्रूक्स, दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू होल्ड इट लॉन्ग। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ आप देखिए कि लगातार सुप्रीम कोर्ट हो या फिर गवर्नमेंट हो या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर्स हो, आप सभी को देख लीजिए, एक तरह से जो ORP का मुद्दा है उसे सब लगातार खींचने पर लगे हुए हैं, यानी कि होल्ड इट टू लॉन्ग, कितना भी खींचो लगातार। क्योंकि एक चीज़ आप यहाँ पर देखिए कि अब जो टाइम एक्सटेंशन एप्लीकेशन डाल दी गई है, 11 जुलाई को कोर्ट भी रीओपन हो चुके हैं, और अब देखो 5 से 6 दिन जा चुके हैं लेकिन ना मामले को में उसे एक्सेप्शन मिल रहा है ना रिजेक्ट किया। एक तरह से हमारे पेंशन धारकों को बेवकूफ़ बना रही है सरकार, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी जो सरकार के कठपुतली की तरह यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहा है। और इसी पर मेजर जनरल सतवीर सिंह जी ने रीट्वीट कर इन्हें रिप्लाई भी किया है, सैड बट ट्रू, आवर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर ऑन डाउन हिल स्लाइड। जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होना चाहिए उसके बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सर्वोच्च न्यायालय की बात न मानना एक बहुत ही बड़ा अपराध है, लेकिन यहाँ पर वो आसानी से हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के अंदर अंदर रिवाइज करो, उसे नहीं किया गया। उसके बाद टाइम एक्सटेंशन एप्लीकेशन डाली गई, उस पर भी अभी तक कोई फैसला नहीं आ पाया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी बंद था और लगातार जो है इस पर जो हम कह सकते हैं कि ज़्यादा समय न पर्याप्त समय न मिल पाने के कारण इस पर हियरिंग नहीं हो पा रही है। तो प्रीमेबल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट बीइंग फॉलोड इन लेट एंड स्प्रिट। लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक तरह से हमने इस आवाज़ को इसलिए भी उठाया क्योंकि हर एक पेंशन धारक अब यही मानता है कि जो सरकार है, सुप्रीम कोर्ट है, वो ORP रिवीजन करना ही नहीं चाहती है, उसे खींचना ही चाहती है, टाइम उसमें लगातार बढ़ा रही है। लेकिन मेजर जनरल सतवीर सिंह जी ने क्लियर किया कि जो पेंशनर संगठन है वो ऐसा नहीं होने देंगे, वो अपना स्ट्रगल जारी रखेंगे। इस तरह से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर 1 या 2 दिन का और वेट किया जाएगा, अगर इस जो टाइम एक्सटेंशन एप्लीकेशन है इस पर फैसला नहीं आता है तो तुरंत से ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया जाएगा और गवर्नमेंट को इसके लिए जुर्माना और सज़ा दोनों ही इसमें प्रावधान है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उसका, और उसके साथ ही जो हमारे पेंशन धारकों को फाइनेंशियली नुकसान इस वजह से हो रहा है उसका भी भुगतान गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, अगर आप भी इनकी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें, और जैसे ही इस मुद्दे पर कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है हम तुरंत से आपके साथ जुड़ेंगे, शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।